कहते हैं जीवन में कुछ दंश ऐसे होते हैं जो ना तो कभी भुलाए जा सकते हैं और ना ही उनकी वजह से आने वाली दुश्वारियों को दूर किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हाल सारण के उन 84 परिवारों का है जो जहरीली शराब का दंश इस वक्त झेल रहे हैं। मंगलवार की देर शाम से जहरीली शराब ने जिले में मौत का तांडव मचा रखा है। मंगलवार से शुरू हुआ मौत का आंकड़ा रविवार को भी थम नहीं रहा, आंकड़ों में बढ़ोतरी ही हो रही है। मौत की संख्या अब 80 पार चली गई है। इतनी संख्या में हो रही मौतों पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोका नहीं जा सकता, क्या जहरीली शराब पीने वालों का कोई इलाज नहीं, और क्या उन सभी लोगों को जिनकी मौत हो गई है उन्हें सही समय पर इलाज मिला। तो इसका जवाब है, जहरीली शराब पीने वालों का इलाज बेशक किया जा सकता है, बेशक उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन छपरा में जहरीली शराब के शिकार हुए ज्यादातर लोगों को सही समय पर इलाज ही नहीं मिला। लोग बीमार पड़े तो अस्पताल गए ही नहीं। पुलिस जुर्माने और मुकदमे के डर से लोगों ने घरों में ही घरेलू उपचार किया, उल्टी कराने के लिए नमक और साबुन का घोल पिलाया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो झोला छाप डॉक्टर के पास गए, लेकिन जब इन झोला छाप डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए तब दौड़े अस्पताल की ओर, लेकिन तब तक तो मामला हाथ से निकल चुका था। मरीज जब अस्पताल पहुंचे तो किसी की सांसें फूल रही थी तो किसी की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अब लोगों को समझ आया कि जान बचनी अभी ज्यादा जरूरी है पुलिस के मुकदमे और मुआवजे से ज्यादा। चूंकि सबसे ज्यादा केसेस मशरक के थे तो मरीज यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, लेकिन जब तक पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। सिचुएशन अब कंट्रोल में नहीं था, यहाँ भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद मरीजों को छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी। जो थोड़े भी सामर्थ्य थे वे मरीज को लेकर बड़े अस्पताल चले गए, वे कहीं भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो जहरीली शराब पीकर अस्पताल पहुंचे सभी लोगों में एक समान लक्षण देखे गए। शुरुआत उनकी आंखों की रोशनी जाने के साथ शुरू होती है, इसके बाद ऑर्गन फेल हो जाता है। मल्टी ऑर्गन फेलियोरिटी की वजह से मरीजों की मौत हो जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक मृतकों के शरीर में फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से ऑर्गन फेल हो रहा है और मौत इसी वजह से हो रही है। मरीजों को लेकर एम्बुलेंस के सायरन लगातार बज रहे हैं। अब इन परिवारों को बस इंतजार इस बात का है कि मौत का सामान बेचने वालों को सजा मिले तो न्याय के साथ दिल को भी कुछ सुकून मिले। हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी अब मामले का संज्ञान लिया है। इसी के साथ मानवाधिकार आयोग ने खुद भी मामले की जांच का फैसला अब कर लिया है। इसके लिए अब जल्द ही आयोग की टीम बिहार पहुंचेगी। ये जानकारी आयोग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। अब तक जहरीली शराब के शिकार 82 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग अस्पतालों में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्वीट करके कहा है कि आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में टीम का गठन कर दिया गया है। ये टीम छपरा सारण के साथ ही अन्य जिलों में भी जाकर मौके पर जांच करेगी। जरूरी हुआ तो इस जांच पड़ताल में स्थानीय पुलिस और प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। बता दें कि मामला सामने आने के बाद से ही जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी करेगी। अब तक यहां अवैध शराब का कारोबार करने वाले 293 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं 10,000 लीटर से अधिक अवैध शराब को जब्त भी किया गया है। खबर तो ये भी है कि प्रशासन की इतनी सतर्कता के बावजूद भी शराब माफिया ने जहरीली शराब की खेप दूसरे प्रखंडों में भी पहुंचा दी। इससे पहले राज्य सरकार के निर्देश पर इसवापुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार राम के साथ ही चौकीदार और दमदार को भी पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया था। इसी के साथ पुलिस और प्रशासन का स्पेशल दस्ता बनाकर अब ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया है। बता दें कि इस घटनाक्रम में सबसे पहले मंगलवार को 5 मौतों का मामला सामने आया था। वहीं बुधवार की शाम तक मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को भी पूरे दिन मौत की संख्या लगातार बढ़ती रही, जबकि शनिवार की शाम तक ये संख्या 84 हो गई। आशंका अभी ये भी है कि मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।